सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के वॉल्यूम 2 की फैन थ्योरीज के बारे में। बिकॉज भाई जब से मेकर्स ने बोला कि आप लोगों को वॉल्यूम 2 में हैप्पी एंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, उसके बाद से भाई काफी सारी फैंस लोग की थ्योरीज आई है कि आप लोग भाई वॉल्यूम 2 में इन कैरेक्टर्स की डेथ आप लोग को सीजन 4 के वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है, जिनमें से हम लोग भाई 5 कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एंड भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले दीज आर जस्ट अ थ्योरीज, मतलब कि भाई कोई जरूरी नहीं कि आप लोग को यही चीजें देखने को मिले, बट अभी रिसेंट टाइम में भाई काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में भाई उन्हीं को डिस्कस करने वाले। तो अगर आप लोगों को भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जिस कैरेक्टर को सबसे कम वोट मिला, दैट मींस कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर के साथ आप लोगों को ज्यादा कुछ बुरा वॉल्यूम 2 में देखने को नहीं मिलेगा, वह भाई 11 का कैरेक्टर। एंड भाई मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीजन 4 के वॉल्यूम 2 में 11 के साथ कुछ खास बुरा होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उसकी पावर शायद फिर से जा सकती है या फिर वो कमजोर हो सकती है, लेकिन आप लोगों को जो डेथ है 11 की वो भाई इसके वॉल्यूम 2 में देखने को नहीं मिलेगी। अभी भाई 10% लोग ही ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि 11 की जो डेथ है वो आप लोगों को इसके वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है, बट भाई पर्सनली जो भाई 90% लोग हैं जिनमें मैं भी आता हूं, मेरे अकॉर्डिंग भाई ये चीज एकदम क्लियर है कि बिकॉज भाई इस सीरीज का भी सीजन 5 भी आना है, दैट्स व्हाई भाई 11 का तो अभी जिंदा रहना जरूरी है, बिकॉज वो पिलर है पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की। दैट्स व्हाई भाई जो 10% लोग हैं उनको अपने में खुश रहने देना चाहिए, लेकिन जो 90% लोग हैं मेरे हिसाब से उनकी प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट होने वाली है। एंड जो भाई थ्योरी वो लोग बना रहे हैं कि भाई 11 ही बचाएगी सबको, तो भाई यही होने वाला है, बिकॉज अभी रिसेंटली जो एक टीजर ट्रेलर आया था वॉल्यूम 2 का, उसमें भाई हम लोग देख सकते हैं कि वेकना की जो फाइट है वो 11 के साथ काफी ज्यादा तगड़े तरीके से होने वाली है। बात करें भाई अगले कैरेक्टर की, जो कि आप लोग को नंबर 4 पर देखने को मिलता है, उसका नाम है विल। एंड भाई विल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर भाई आप लोग को वॉल्यूम 1 में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया था, इनफैक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं करा गया था। एंड भाई स्ट्रेंजर थिंग में हम लोगों ने देखा है कि भाई जिस कैरेक्टर पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसी कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ भाई बुरा हो जाता है। एंड विल भाई आई थिंक सबका फेवरेट कैरेक्टर है, जैसे भाई बिली के साथ हुआ था कि भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड एट द एंड भाई हम लोग को उसकी डेथ देखने को मिली थी। तो शायद भाई 30% लोगों का ऐसा मानना है कि आप लोग को विल का जो डेथ है इसके वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकता है, जो कि भाई काफी अनएक्सपेक्टेड होगा। सो बात करें भाई अगले कैरेक्टर की, जो कि आप लोगों को नंबर 3 पर देखने को मिलता है, एंड भाई 50% लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस कैरेक्टर की जो डेथ है इस सीरीज के वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है। एंड भाई उस कैरेक्टर का नाम है नैंसी। एंड भाई इसका सबसे बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि वॉल्यूम 1 के एंडिंग में हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई वेकना ने नैंसी को अपने भाई कंट्रोल में ले लिया है। एंड अभी भाई सारे जहां पे लोग बाहर निकल रहे हैं वहां पे भाई नैंसी उस जगह पे फंस चुकी है। हालांकि भाई रिसेंटली जो वॉल्यूम 2 का नया ट्रेलर रिलीज करा गया था उधर भाई हम लोग देखने को मिलता है कि नैंसी उस जगह से बाहर आ चुकी है। अब भाई क्या वेकना उसको अभी कंट्रोल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, या फिर भाई वो भी मैक्स की तरह कोई जुगाड़ लगा रही है, ये चीज तो भाई हम लोग को वॉल्यूम 2 में पता चलेगी। लेकिन भाई यस 50% लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग को नैंसी कैरेक्टर की जो डेथ है वो भाई वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है। सो बात करें भाई अगले कैरेक्टर की, जो कि आप लोग को नंबर 2 पर देखने को मिलता है, तो वो है भाई मैक्स का कैरेक्टर। एंड भाई मैक्स ही इन सारे लोगों के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी लड़की थी जिसको सबसे पहले भाई वेकना ने अपने कंट्रोल में करा था, एंड वो भाई किसी तरीके से उससे बच के बाहर निकली है। एंड भाई अभी रिसेंटली जो वॉल्यूम 2 का नया ट्रेलर आया था उधर भाई हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई शायद जो वेकना है उसने फिर से मैक्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज हम लोग को भाई जो मैक्स है वो भाई फिर से अपसाइड डाउन की दुनिया में देखने को मिलती है। तो भाई अगर ऐसा कोई सीन है देन भाई पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है कि भाई आप लोग को इस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ बुरा देखने को मिल सकता है। बात करें भाई वोटिंग की, तो अभी भाई 70% लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग को मैक्स का जो डेथ है वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकता है। अगर भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यस 50-50 चांसेस मेरे को भी लगते हैं, बिकॉज भाई इससे पहले भी वेकना ने मैक्स को कंट्रोल कर लिया था एंड ऑलमोस्ट भाई मैक्स खत्म ही हो गई थी, किसी तरीके से भाई उसके दोस्तों ने उसको बचाया था। तो भाई वॉल्यूम 2 में आई थिंक आप लोग को मैक्स कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। एंड भाई लास्ट में बात करें कैरेक्टर नंबर 1 की, तो भाई वो है स्टीव। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मैं नहीं चाहता कि स्टीव के साथ कुछ भी भाई इस वॉल्यूम 2 में बुरा हो, बट भाई रिसेंटली जितनी थ्योरीज पब्लिश हुई हैं उसमें भाई 90% लोगों ने ऐसा बोला कि आप लोग को स्टीव के कैरेक्टर का जो कॉम्प्रोमाइज है या फिर भाई जो उसकी डेथ सीन है वो वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है। एंड सबसे बड़ा रीजन भाई लोगों ने ये बताया था कि भाई जब स्टीव अपसाइड डाउन की दुनिया में गया था तो भाई उसको सबसे पहले भाई अटैक किया गया था, एंड कहीं ना कहीं भाई वेकना उस वजह से उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। एंड भाई वो शायद बाकी लोगों की बजाय ज्यादा स्ट्रांगली स्टीव से कनेक्ट कर पाएगा, एंड भाई उसकी वजह से स्टीव के साथ कुछ ना कुछ आप लोग को वॉल्यूम 2 में बुरा देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो भाई स्टीव एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि भाई पहले बुरा था, देन भाई बाद में वो बहुत अच्छा बन जाता है एंड लोगों का फेवरेट भी हो जाता है, खासतौर से भाई अपना डस्टिन। एंड भाई अभी करंट टाइम में स्टीव भाई लोगों का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, जो कि भाई आप लोग को स्ट्रेंजर थिंग में देखने को मिलता है। एंड अगर भाई इस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ होता है देन भाई लोगों को बहुत तगड़ा झटका लग जाएगा। एंड भाई मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, बट ये थ्योरीज बहुत ज्यादा पब्लिश हो रखी है एंड भाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के साथ स्टीव का कॉम्प्रोमाइज इसके वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकता है। हालांकि भाई जितनी भी चीजें मैंने आप लोग को अभी इस वीडियो में बताई है सारी की सारी अभी फैन थ्योरीज है, एंड रिसेंटली भाई लोगों ने अपने हिसाब से इन थ्योरीज को बनाया, बिकॉज भाई डायरेक्टर ने इस सीरीज के खुद ही बोला था कि आप लोग अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट कर सकते हो, एंड उनका जो भाई बोलना था कि हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, एंड इसकी वजह से भाई लोगों ने अपनी थ्योरीज को बनाना स्टार्ट करा था कि भाई आप लोगों को किन कैरेक्टर्स की जो डेथ है वो वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है। हालांकि भाई इन कैरेक्टर्स के अलावा भी हॉपर का कैरेक्टर है एंड उसे
उसी के साथ ही भाई और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट भाई मेजोरिटी ऑफ पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कि आप लोग को इन पांच कैरेक्टर में से किसी ना किसी का जो कॉम्प्रोमाइज है वॉल्यूम टू में देखने को मिल जाए। हालांकि भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इनमें से किसी की भी डेथ हम लोग को देखने को मिले, लेकिन यस भाई अगर मेकर्स को सीजन 4 के वॉल्यूम 2 को एक शॉकिंग एंडिंग के साथ खत्म करना है देन भाई उनको किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। एंड भाई यही सेम चीज हम लोगों ने देखी थी मनी हाइस्ट में, जहां पे भाई हम लोग को टोक्यो की जो डेथ थी वो देखने को मिली थी एंड लोग भाई एकदम से शॉक हो गए थे। तो वही सेम केस भाई आप लोग को इस चीज के वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकता है। हालांकि भाई अगेन ये सारी थ्योरीज हैं, तो आप लोग बताओ भाई आप लोग इन थ्योरी से कितना ज्यादा एग्री करते हो एंड आप लोग के क्या थॉट्स हैं इस चीज के वॉल्यूम 2 को लेकर। आप लोग के जो भी भाई कमेंट्स हैं उसको आप लोग भाई जरूर मेंशन कर देना। अभी कंटली स्टूडियम बस इतना, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।